कुछ लोगों को हर काम में टांग अड़ाने की आदत होती है। जब घर में ही दुश्मन हो तो बाहर क्यों ढूंढना? क्यों किया तुमने ऐसा तारा? जब तुम दोनों को पता है कि दीदी श्वेता को पसंद नहीं करती है तो इस बात को बार बार बढ़ावा क्यों दे रहे हो? मैं तुम दोनों को समझा समझा के थक चुकी हूँ। अब मैं और नहीं समझा सकती। बस इतना कहूंगी कि जिस बात से अपनों का दिल दुखता है वो बात नहीं करनी चाहिए। नए रिश्ते बनाने के चक्कर में पुराने रिश्ते पीसे नहीं जाते। दीदी फोन तो उठाओ। जब घर में ही दुश्मन हो तो बाहर क्यों ढूंढना? डीप ब्रेथ तारा, डीप ब्रेथ। वन, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। टू, विद्या मासी तुमसे नहीं उस सिचुएशन से नाराज है। एंड थ्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई लव यू। नाउ रिलैक्स, उठो उठो उठो। तुम्हें मां से बात करने का मन है ना? अभी तो वो सो गई होगी, पर तुम फिक्र मत करो, मां तुमसे नाराज नहीं है। उन्हें तो बस थोड़ा बुरा लगा है। तुम देखना, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। और जहां तक बात रही विद्या मासी की, तो उन्हें तुमने नहीं, हमने अपसेट किया। जितना तुमने उतना ही मैंने भी। सो डोंट वरी, हम मिलके उन्हें भी मना लेंगे। वैसे भी लव मैरिज और प्रॉब्लम्स, ये एक ही चीज के दो पहलू हैं। और लाइफ में थोड़ा बहुत ड्रामा तो चलता है ना। याद है हमारे टाइम पर क्या हो रहा था? जब मैंने तुम्हारे बारे में घर पर बताया तो मां ने तो तुम्हें बिना मिले रिजेक्ट कर दिया था। और अब देखो, मुझसे ज्यादा तुम्हारी ही तारीफ करती हैं। अब जो तारीफ के काबिल हो उसी की तारीफ करेंगी ना। मेरे पास एक प्लान है। याद है राज, जब हमारी माँ ने मुझे रिजेक्ट किया था तो हम दोनों ऐसे उन्हें मनाने के लिए गए थे। याद है? तुम्हें पता है हमारी शादी को बस 2.5 साल ही हुए, पर ना जाने ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कब से जानता हूँ। थैंक यू। किसलिए? मुझे ढेर सारी खुशियां देने के लिए, बहुत सारा प्यार करने के लिए, मुझे रिस्पेक्ट करने के लिए, मुझे मेरी सुबह बस तू ही तू, मेरी शामों की तू जुस्तजू, मुझ में इतना खो जाने के लिए कि मेरी बातें सुनाई भी ना दे। सुबह बस तू ही तू, मेरी शामों की तू जुस्तजू, मेरी रातों का जुगनू है तू, तेरे नाम से हर पल शुरू, तेरे नाम से हर पल शुरू, दिल बन के धड़के
your ice cream is tasty, na? Very tasty. आज तुम भी ना एकदम बच्चों की तरह खा रहे हो। I forgot. आइसक्रीम गिर गई। भी नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चले गए राज? गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। माँ ये तो आपके बचपन का खजाना लगता है। आपके बचपन की डॉल है, बहुत खूबसूरत है। ये क्या लिखा है? वी लिखा है या एस लिखा है? दोनों लग रहा है। ये विद्या दीदी की है, ये देखो। मैं 8 साल की होंगी, विद्या दीदी 11। ये गुड़िया विद्या दीदी ने तब ली थी जब हम महाशिवरात्रि का मेला देखने गए थे। हमारे पापा हमें हर साल लेके जाते थे। महादीदी को ये गुड़िया पसंद आई तो रोने लगी। पापा ने दिलाने से मना कर दिया। तो बस जैसी वो अब है ना, वैसी ही दीदी तब भी थी। बहुत रोई, खाना नहीं खाया पूरा दिन। फिर आखिरकार पापा ये गुड़िया ले आए, लेकिन एक गुड़िया का शौक मुझे भी था, लेकिन मैं अपनी पसंद कभी भूल ही नहीं पाई। जब दीदी को ये गुड़िया मिली ना, वो बहुत खुश हुई और भाग के मेरे पास आई, मुझसे कहा, शांति तो इतनी अच्छी कढ़ाई करती है, ये वी बना दे, विद्या का वी। शायद दीदी ने मेरी गुड़िया ना मिलने के दुख के आंसू देख लिए। जब मैं अगले दिन उठी तो मेरे सिरहाने ये गुड़िया पड़ी थी। उस पर ये टेढ़ा मेरा सा एस बना हुआ था, शांति का एस। उस दिन मुझे समझ में आया कि मेरी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। दुनिया के सारे खिलौनों से प्यारी उन्हें ये गुड़िया थी, और ये गुड़िया दीदी ने मुझे दे दी। और आज मेरी दीदी मेरा फोन तक नहीं उठा रही।
ऐसा क्यों हो जाता? कोई आया है, मैं देखती हूँ। कौन है? पता नहीं कौन है। राज, राज, अब दे दे माँ। राज, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया था? कुछ ऐसा करने जिसे जानने के बाद आप पहले नाराज होगे, पर फिर मान जाओगे और मुझे शाबाशी दोगे। क्या किया है तूने? तो पब्लिक की फरमाइश पर ये नाचीज सुबह सुबह उठकर बिजली की तेजी से लाया है आपके फेवरेट दिल्ली वाले छोले भटूरे। अब इन्हें प्लेट्स में निकाल लो, बहुत भूख लगी। तो शांति, क्या आपकी अशांति कुछ कम हुई? मां आप टेंशन मत लो, राहुल की शादी, विद्यावासी की नाराजगी, मैं सब हैंडल कर लूंगा। आप कोई गलतफहमी, कोई लड़ाई नहीं होगी, प्रॉमिस। लो छोले भटूरे आ गए। कैसे लगे? अच्छे। हमेशा लेट, मिस्टर लेट लतीफ राज, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगता है? ये तो तुम खुद से पूछो। अब कोई इतना सुंदर हो तो उसके साथ खड़े होने के लिए अच्छा तो दिखना होगा ना। मिस्टर लेट लतीफ राज, कहीं पर भी लेट पहुंचना अच्छी बात नहीं होती है, चाहे वो खुद का ही ऑफिस क्यों ना हो। और आज ऑफिस में रिपेयर का काम भी है, राइट? रिमेम्बर? एक काम करें, एक बार हम दोनों जाके विद्या मासी और राहुल को सामने बिठा के बात करते हैं, उसके बाद जो उनको सही लगे वो करें, क्या लगता है? आइडिया बुरा नहीं है, गुड आइडिया। कुछ लोगों को हर काम में टांग अड़ाने की आदत होती है, जब घर में ही दुश्मन हो तो बाहर क्यों ढूंढना? लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ तुमको जाना चाहिए, विद्या मासी तुम्हारी बात ज्यादा समझेंगी। और ऑफिस के काम के बारे में टेंशन मत ही लेना, तुम्हें संभाल लूंगी। क्या हो यार तुम, कहां से लाती हो इतनी सुलझी हुई सोच? हर बार तुम्हारे पास बेस्ट सोल्यूशन होता है, कैसे कर लेती हो इतनी आसानी से ये सब? वो क्या है ना, मेरे पास एक जादू की छड़ी है जिसे मैं घुमा देती हूँ और काम हो जाता है। अच्छा अब जाओ, बीवी की तारीफ में पूरा दिन वेस्ट नहीं करते। जैसा आप कहें मैडम, आप ऑफिस जाइए, मैं छोटा सा काम करते हुए मासी के घर जाऊंगा, फिर ऑफिस आऊंगा। अब क्या हुआ? हक नहीं मिलेगा। तुम्हें लगता है कि राहुल मान जाएगा? उसे मानना ही पड़ेगा, ऐसे तो जमाना खराब हो जाएगा। नहीं पर मेरा मतलब है, हाँ उसे मानना तो चाहिए, पर वो मान तो नहीं रहा है ना। अब देखो ना, कल कमरे से चला गया बगैर कुछ कहे ही, तुमने कितनी कोशिश की पर वो शुभ।
वो लड़की, क्या नाम है उसका, जो भी नाम होगा, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मैं रात से बात करूंगी कि वो राहुल को समझाए मेरी मर्जी की लड़की से शादी करने के लिए मनाए। राज मेरी बात कभी नहीं टालता और राहुल राज की बात कभी नहीं टालेगा। बस बात बन जाएगी। बस एक परेशानी है तारा, वो इन सब चीजों के बीच में ना आए, क्योंकि अगर वो बीच में नहीं पड़ेगी तो राहुल आसानी से मान जाएगा। मैं रात से भी कहूंगी कि वो तारा को समझाए कि इन सब चक्रों में हम उसी की वजह से पड़े हैं। वैसे राज इस वक्त ऑफिस में ही होगा। बिल्कुल सही, यही तो सही समय है उसे अकेले पकड़ने का, ऐसे तो जमाना खराब हो जाएगा। ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है भाभी। मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में किससे बात करूं। और भाभी मैं राहुल के बिना नहीं जी सकती, और मुझे नहीं लगता कि विद्या आंटी हमारी शादी के लिए मान जाएगी। श्वेता मानेंगी, उनको थोड़ा टाइम तो दो। लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। राज और मेरे लिए कितना मुश्किल था सबको शादी के लिए मनाना। तुम जानते हो मेरे पापा आज तक मुझसे ठीक से बात नहीं करते। माँ ने भी मुझे शुरू में रिजेक्ट कर ही दिया था, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते करते उनके दिल में मैंने अपने लिए जगह बना ही ली। पर भाभी इतना ड्रामा क्यों? विद्या आंटी मुझसे एक बार मिले तो सही, मुझसे बात तो करें, तब शायद उन्हें समझ में आए कि मैं राहुल से कितना प्यार करती हूँ और मैं उसे कितना खुश रख सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उनके लिए इतना सिंपल नहीं है श्वेता। देखो हर माँ बाप के अपने बच्चों को लेकर ना कुछ सपने होते हैं। प्यार दो लोगों के बीच होता है, लेकिन शादी दो परिवारों के बीच। तुम्हें पहले उनका दिल जीतना होगा, फिर उनको यकीन दिलाना होगा कि तुम उनकी बेटी की एक अच्छी बीवी ही नहीं और उनके घर की एक अच्छी बहू भी बन सकते हो। और फिर सब कुछ सिंपल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच भाभी, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। और हमारी शादी के लिए विद्या आंटी को जरूर हां करवा कर रहूंगी। सब ठीक होगा। अपना ख्याल रखना। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया, वरना जिंदगी भर
मुझे ये गलत फहमी रहती कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। तो ये परवरिश मिली है तुम्हें, तो इस तरह से मेरे भोले भाले बच्चे को फंसा रही हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे इन लटके झटकों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो दूसरों को देने के लिए इज्जत है, ना खुद के लिए शर्म। बहुत अच्छे से जानती हूं मैं तुम जैसी लड़कियों को, भले घर के मासूम लड़कों को फंसाने का अच्छा तरीका ढूंढा है तुम लड़कियों ने। बस मासी, मासी जी आप ये क्या बोल रही हैं? एक औरत होकर खुद आप दूसरी औरत के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं? मासी जी, अगर आपको श्वेता और राहुल की शादी नहीं करवानी तो मत करवाइए, लेकिन श्वेता को ऐसे इंसल्ट करने का आपका कोई हक नहीं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.